तो मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी जो कि है यहाँ पर। उनके बारे में पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, दिलदार पर्सन बोल सकते हैं जिनको, एंड ही स्पेशलाइजेस इन यूजिंग हिज माइंड इन हिज ओन क्रिएटिव एंड यूनिक वेज टू एंगेज एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स एंड मेकिंग देम बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वर्किंग इन PNB, he do also guide students via his YouTube channel Ravi Sharma IBPS PO. So welcome Ravi sir, aap aaiye aur yahan par jo bhi hamare students hain unko honor provide kare. Thank you so much Meenakshi ma'am, ek to itne acche introduction ke liye aur dusra is mahol ko lively rakhne ke liye for the past two hours. Aur baki main Guidly team ko bhi congratulate karunga itna acha event jo inhone ye organize kiya hai. बबीता मैम, सुकुमार सर और जो इनकी एंटायर गाइडली टीम है उनके लिए। और उसके बाद अब डायरेक्टली बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करने से पहले मैं मतलब आई वुड लाइक टू यूज़ दिस स्टेज टू एक्चुअली प्रोवाइड माय ग्रेटफुलनेस टू वन पर्सन, सुमित सर। सुमित सर का जो इमेज है मेरे दिल में वो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सचिन तेंदुलकर ऑफ क्वांट्स। तो मतलब बाकी कपिल सर और जो राधे सर हैं इनसे मेरी वन ऑन वन इंट्रैक्शन हुई है काफ़ी बार, बट सुमित सर को थैंक यू करने के लिए मेरे पास पहले कभी मौका मिला नहीं। बट आई वुड लाइक टू टेक दिस स्टेज नॉट ओनली फॉर टीचिंग, ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन हु क्रिएट्स इम्पैक्ट विद हिज वर्ड्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट ही डज। तो अब इसके बाद मैं बात करूँगा, पहले तो थैंक यू बोल दूंगा इनको एक बार और, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस इम्पैक्ट इन माई लाइफ एंड ऑल द अदर एस्पिरेंट्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और इसके बाद अब कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपको मतलब हाथ जोड़ के फिर से एक बार प्रणाम है एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क। मैं आपकी वीडियोस पे जाके भी कभी कभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मतलब वो ग्रेटफुलनेस वो कभी कम नहीं हो रही है सर, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेशन में मैं ये जो 8 बच्चे मेरे सामने हैं इनका मैं नाम लेके थोड़ा सा इनको मोटिवेट करना चाहूँगा। सिल्की शर्मा, सैन पॉल, शुभादीप मॉडल, रनीता घोष, हर्ष गुप्ता, प्रज्वल कुमार, राहुल खुशवावा एंड गुरप्रीत सिंह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीज 8 एंड ऑल द अदर कैंडिडेट्स हु हैज गॉट सिलेक्टेड। अब जो इनको मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि देखो आपने सिलेक्शन ले ली है, राइट नाउ यू आर फीलिंग लाइक यू आर अ ग्रेट सक्सेस, बट मेक श्योर दैट दिस सक्सेस मतलब ये सक्सेस आपको डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस सक्सेस एंड यूज़ योर एनर्जी इन द कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, ट्राई टू क्रिएट इम्पैक्ट वेयर एवर यू गो विद वट एवर यू कैन डू, डू स्मॉल हेल्प टू एवरी वन। और बाकी भी मतलब आप जो बैंक है जब आप ज्वाइन कर लेंगे, पहले ज्वाइनिंग से पहले की बात करते हैं, जब आप ज्वाइन अभी आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर ज्वाइनिंग कब आएगी, कितने टाइम बाद ज्वाइनिंग आएगी, तो उनको मैं यही कहूँगा कि रिलैक्स, आप इस जो ये टाइम है ना कि अब आपके दिमाग पे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, तो इस टाइम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी ध्रुव सर ने बोला था कि अभी कि आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं या फिर आप कुछ अच्छी चीज़ें करिए, आप एक नॉवल पढ़ने की आदत डालिए, सुबह शाम घूम के नेचर को इंजॉय कीजिए, ये सब चीज़ें करने का आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा बट फिर भी आपको निकालना है बाद में भी। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जब बैंक ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे, जब बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं तब तो उनके दिमाग में होता है कि यार बैंक ही भगवान है, ये जॉब लग जाए तो मैं मतलब आई विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन। बट वंस दे ज्वाइन बैंक दे गेट इन टू द इन्वायरमेंट जहाँ पे मोस्टली बहुत नेगेटिव बातें होती है, जो खुद जिनके बच्चे भी खुद भी तैयारी कर रहे होंगे वो भी बोलते हैं कि नहीं यार बैंक नहीं अच्छी जॉब है, तो वो आपके दिमाग पे ना ओवरकम करना चाहेंगे कि आप पे डोमिनेट करें और आपको भी फिर ऐसे लगेगा कि बैंक तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो फिर आपका दिमाग थोड़ा सा उस तरफ जाएगा। बट आई रियली वॉन्ट टू से यू कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ क्रिटिसाइजर बी एन एनकरेजर, तो आप एनकरेज करो, आप बैंक में भी जहाँ हेल्प हो सकती है लोगों की करो, अपने कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ, टीम वर्क होगा तो बहुत अच्छा काम होगा। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, इफ़ यू आर इन द रेस यू विल विन द रेस, तो आपको टू विन द रेस यू मस्ट बी इन द रेस, तो आपको उस रेस में रहना पड़ेगा आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और बाकी लास्ट बात ये है कि जो तैयारी अभी भी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार, तो जब हम पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं तो 12वें हथौड़े में पत्थर टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
जो 11 हथौड़े हमने मारे हैं वो वेस्ट हो गए, मतलब कि एवरी सिंगल थिंग, जैसे क्रिकेट में भी होता है कि अगर आप हार गए तो व्हाट पॉजिटिव्स यू कैन टेक फ्रॉम दैट मैच, तो उस पॉजिटिव्स पे हम वर्क करते हैं, जो जो चीज़ें गलत हुई है उस पर भी वर्क करते हैं। तो ऐसे करके अगर आप लाइन में लगे रहेंगे तो आपका टिकट काउंटर पे नंबर आ जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट हु आर प्रिपेयरिंग एंड दोज हु हैव सिलेक्टेड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रवि, इतना मोटिवेट करने के लिए आपने स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया। तो अब इसके बाद मैं प्रशांत सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आपसे क्वेश्चंस यहां पर आ सके। हेलो रवि सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बिहाफ पर है और उनका क्वेश्चन ये है कि उनका सिलेक्शन SBI क्लर्क में भी हो गया है और IBPS PO में भी हो गया है, तो किसको चुने बेटर करियर ग्रोथ के लिए? देखो, आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि करियर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है, और आप ये देखो, आप अगर अब आ ही गए हो मैदान में, आपको 9 से लेके 6, 7, 8 बजे तक एक आधा घंटा इधर उधर होता है। जैसे विजय ने भी बताया था पूरा कि IBPS मतलब पी और क्लैरिकल में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप मैदान में आ ही गए हैं, आपको काम भी करना है, तो क्यों ना एक मोर इम्पैक्टफुल जॉब हम करें और मोर जहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, ज़्यादा हम अपनी डिसीजन मेकिंग से कुछ कर सकें। तो वो वाली चीज़ों पे अगर बात करेंगे तो हमें IBPS PO डेफिनेटली, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था क्लैरिकल LIC असिस्टेंट IBPS PO, तो फिर मैंने मतलब PO चुना विदाउट एनी सेकंड थॉट, क्योंकि जब काम करना ही है तो फिर दिल खोल के करेंगे काम, ठीक है, और कभी घबराना नहीं है, मतलब कि यार उसका काम भी मुझे दे दिया, ये भी, हाँ मतलब स्लेव भी नहीं बन जाना एकदम, बट हाँ काम अगर है तो मतलब खुशी खुशी कर लो। मेरी मम्मी एक बात बोलते हैं कि मतलब काम करना ही है तो क्यों ना हंस के कर लें, मतलब ऐसे मुंह बना के करेंगे तो आपका अंदरूनी पीस भी ख़राब होगा और दूसरा भी होगा। तो क्लैरिकल, अगर आप सारी ज़िंदगी क्लैरिकल रहने को तैयार हैं फिर तो आप क्लैरिकल ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर 3 साल बाद PO बनना ही है तो क्यों ना डायरेक्ट PO बन जाए। तो माई ओपिनियन विल गो विद IBPS PO। थैंक यू सर। थैंक यू रवि सर फॉर योर काइंड वर्ड्स।